नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। पंजाब का जलियांवाला बाग अब नए अवतार में दिखेगा। दरअसल पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शनिवार को स्मारक के रीइनोवेटेड परिसर का उद्घाटन कर दिया है। अब पीएम मोदी इसे राष्ट्र को समर्पित करेंगे। खबर है कि उद्घाटन कार्यक्रम में परिसर को बेहतर बनाने के लिए सरकार की तरफ से उठाए गए कदमों को भी दिखाया जाएगा। जलियांवाला बाग की इमारतें लंबे समय से बेकार पड़ी थी, इसलिए इमारतों को दोबारा उपयोग में लाने के लिए चार संग्रहालय दीर्घाएं बनाई गई हैं। ये दीर्घाएं उस अवधि के दौरान पंजाब में घटित कई घटनाओं के विशेष ऐतिहासिक महत्व को दर्शाती है। यहाँ स्थित तालाब को एक लिली तालाब के रूप में फिर से विकसित किया गया है और लोगों को आने जाने में सुविधा के लिए यहाँ के रास्तों को चौड़ा किया गया है। जलियांवाला बाग का केंद्रीय स्थल माने जाने वाले ज्वाला स्मारक की मरम्मत करने के साथ साथ इसका पुनर्निर्माण किया गया है। इस दौरान मैपिंग और 3D चित्रण के साथ साथ कला एवं मूर्तिकला जैसी चीज़ें भी दिखाई जाएंगी। इसके अलावा जलियांवाला बाग में एक थिएटर का भी निर्माण किया गया है। इसमें एक साथ 80 लोगों के बैठने की क्षमता है। इस थिएटर में डिजिटल डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाएगी। इसके लिए जलियांवाला बाग नरसंहार पर डिजिटल डॉक्यूमेंट्री तैयार की गई है। इसमें गेट से अंग्रेजी सेना के प्रवेश से लेकर जलियांवाला बाग में बैठकर बेकसूर लोगों पर गोलियां चलाने तक की घटना कैद है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।